हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्या हुआ? तो जस्ट अभी मैं नहा कर आई हूँ, सिर धो कर आई हूँ गाइस। और आज का ब्लॉग बनाने का रीजन दो तीन है। एक तो मैं आपके साथ जो मेरी फिजियोथेरेपी हुई है डिस्क की, उसका जो रिजल्ट रहा है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। और दूसरा रीजन ये है कि अनमोल के पापा के दोस्त की आज रिसेप्शन पार्टी है। कल उनकी शादी हुई थी, शादी में नहीं जा पाए लेकिन आज पार्टी में जरूर जाएंगे, सभी जाएंगे। और तीसरा रीजन मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी रचना के सामने। और गाइस, जो मेरी फिजियोथेरेपी हुई है सरहंद डॉक्टर रुपिंदर सिंह जी के पास, वो काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ है। हालांकि पेन अभी भी है स्टिल, लेकिन जब मैं चलती थी बहुत दिक्कत होती थी, मतलब अच्छे से चल नहीं पाती थी। तो अभी जो चलने की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, काफ़ी आराम है, मैं अच्छे से चल पाती हूँ। बस हाँ, एक बैठने की दिक्कत है कि बैठ नहीं पाती मैं, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाती। इस कंडीशन में अगर बैठना हो तो ऐसे नहीं बैठ सकती, अगर पीछे सपोर्ट हो तो मैं बैठ लेती हूँ, खुद के सहारे से नहीं बैठ पाती मैं, ये दिक्कत है। तो उसके लिए हम जाएंगे 10-15 दिनों के बाद फिर से जाएंगे। लेकिन गाइस, फिर भी मुझे 70-80% काफ़ी आराम है, बस जो 20% रह चुका है उसके लिए हम जाएंगे 10-15 दिनों के बाद। मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी गाइस, मैं नहीं चाहती, मैं भगवान ना करे ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ हो डिस्क की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर कोई इस प्रॉब्लम से यूजर है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप पंजाब में सरहंद शहर डॉक्टर रविंदर सिंह जी के पास ट्रीटमेंट करवा सकते हो। और मैं कार्ड दे दूंगी स्क्रीन पर, पूरा एड्रेस वगैरह है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने अभी ये वाली लैक्मे की सीसी क्रीम अप्लाई की है, उससे पहले ये सनस्क्रीन अप्लाई किया था डोटेन की का, जैसे कि आपको पहले बताया था, अनबॉक्सिंग की थी इसकी। ये मेरा लाइफ का फर्स्ट सनस्क्रीन है गाइस। फटाफट से तैयार हो जाते हैं, जैसा कि आपको बताया था अनमोल के पापा के दोस्त की आज रिसेप्शन पार्टी है, तो उसके लिए जाएंगे। तो कोशिश करूंगी मैं वहां पर थोड़ी बहुत वीडियो शूट करने की, हालांकि कह नहीं सकती कि वहां पर जाकर वीडियो बनाऊंगी या नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता किसी के घर पर जाकर, किसी के ओकेजन वगैरह पर जाकर वीडियो शूट करने का। हाँ, थोड़ी बहुत क्लिप्स मैं ले लूँगी। और लिपस्टिक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कलर्स की उनकी शेड नंबर 50, दिस वन। तीसरा रीजन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी वो है आज मेरे देवर देवरानी की मैरिज एनिवर्सरी, थर्ड मैरिज एनिवर्सरी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अगेन रचना। कुछ बोलना चाहेंगे आप? 3 साल हो गए आपकी शादी को, बैठी तरह बहुत अच्छा हूँ मैं। तो गाइस, हम तैयार हैं जाने के लिए पार्टी में। तो पवन रचना की जो शादी की, मम्मी एक मिनट, तो पवन रचना के जो एनिवर्सरी का जो प्रोग्राम है वो पवन ने खुद कुछ कर रखा है प्लानिंग, जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी शाम को। जम्मू रोटी खा ली, तो रोटी खा लो अंदर अपनी, आ जा आ जा आ जा, वो देखो रोटी पा रखी है, आ जा वो देख रोटी रोटी खाओ अपनी। जिस साइड गौशाला है ना मेरे ख्याल से उधर है ना, जिथे आप गौशाला जाने बाजार च, उधर नहीं है उधर घर रमेश का, इधरों भी है, इधरों देखो रे बाल मंदिर
हाँ पहला वाला तो मैं पता ही है जिसे मालिश करान जाती सी मैं। मैं वीडियो बना रही हूँ यूट्यूब से, ठीक है कोई इतराज ना नहीं। हाँ दसना है ना अभी इस मुंडे का ब्याह होया। तो गाइस पार्टी में से तो वापस आ चुके हैं लेकिन घर जाने की बजाय हम बिग पाल दीदी के यहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि बीरपाल दीदी का घर रास्ते में ही था तो मम्मी ने सोचा कि मिलते चलो। सत श्री अकाल दीदी। सत श्री अकाल किवें अभी गाइस हम आए हैं नर्सरी में कुछ पौधे लेने के लिए। हाय गाइस भृंगराज लेना सी, वो भी नहीं है गया, ब्राह्मी भी नहीं है गया, देख लेने बाकी कोई और सजावट वैसे देखी रचना एक अद्धा। हाँ वो जो ये लटकन आने वाला कर है ना गोल गोल जवाक रही पौधे केड़े अन बाइक हार आदे उत्थे भी रहे दी पीले हाँ देखो है ना ये आओ पल ले ली उसको टमाटर का भी मम्मी कुछ के है ना नल लगी हुई थी ना लगी हुई होगी लेके जाऊंगी। हाँ वेट करना पड़ेगा काकू चक लो दो मिनट बेचारा एम ही अंडी जाए किस चीज का अंजीर का अंजीर ड्राई फ्रूट होंगे ना वो है। तो गाइस घर तो हम आ गए थे तकरीबन 4:30 के करीब पार्टी से और उसके बाद आपको दिखाया था बीरपाल दीदी के यहाँ से और उसके बाद नर्सरी से कुछ पौधे लिए हैं नर्सरी से जो कि मैं लेना चाहती थी और अभी आपको दिखाऊंगी मैं डीजे मंगवाया है पवन भाई ने और कुछ भी जो भी खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो भी लेकर आ चुके हैं तो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। हर एक मिनट में डीजे बंद करवा दूँ राजी जमी बंद कर दे एक बारी बीच फिर कॉपीराइट का डर रहा और कुछ नहीं। तो गाइस आपसे मैं कुछ कहना चाहती थी
जैसे कि आपको पता होगा कि मुझे माइग्रेन भी है काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से। मेरी जो छोटी भाभी है आरती भाभी, उनकी भाभी हैं जो मुझे एक से बढ़कर एक उपाय बताती हैं वीडियोस के थ्रू। मतलब कुछ भी वो सोशल मीडिया पर कुछ खास देखती हैं माइग्रेन के लिए तो वो मुझे सेंड कर देती हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रही हैं कि आप मेरा इतना ज़्यादा फिक्र करती हैं कि कहीं भी अगर आपको इसकी होम रेमेडी नज़र आती है माइग्रेन की तो आप मुझे सेंड कर देती हैं, थैंक यू सो मच। और आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं 2 महीने से वैसे मैं पहले भी इस्तेमाल करती थी एक्चुअली, जो देसी गायें होती है बिल्कुल देसी गायें, उसका जो प्योर देसी घी होता है अगर उसे हम रात को सोते समय दिन में भी लगा सकते हैं, मतलब लगाना नहीं है डालना है नाक में दोनों साइड, तो ये माइग्रेन के लिए बेस्ट है। ये नींद की प्रॉब्लम को भी बिल्कुल दूर करता है। तो पहले इस्तेमाल करती थी, कुछ टाइम इस्तेमाल किया लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अभी 2 महीने से मैं लगातार इस्तेमाल कर रही हूँ तो उससे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है माइग्रेन से भी, नींद भी प्रॉपर अच्छी आ रही है और सिर दर्द ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही गायब हो गया लेकिन काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा रिलीफ है, 80% मुझे रिलीफ है। और अब जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, वीडियो बना रही हूँ, अभी भी स्टिल मेरे सिर में दर्द है क्योंकि आज तो होना लाजमी है क्योंकि पहले पार्टी में गए, फिर दीदी के यहाँ गए और फिर नर्सरी में गए, तो जब मैं कभी ट्रैवल कर लूँ थोड़ा बहुत भी तो मेरे सिर में दर्द होता ही है, जो कि माइग्रेन में होता ही है सभी पेशेंट को। तो इसीलिए मेरे सिर में आज भी दर्द है। तो सोचा कि ये भी एक छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर कर दूं माइग्रेन का, क्योंकि जब कभी मैं किसी वीडियो में बोली हूँ तो कुछ हैं मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे कुछ ना कुछ रेकमेंड करते हैं, और जो मेरी भाभी की भाभी हैं वो तो बहुत ज़्यादा मुझे रेकमेंड करती हैं कुछ ना कुछ, कि मतलब होता है अपनों के लिए होता है। तो थैंक यू सो मच। मेरी हमारी जर्मन जिसकी हेल्थ कुछ टाइम से ठीक नहीं है गाइस, बिल्कुल भी, इसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है वैसे। हेलो जरूर
सो या गाइज आई होप यू लाइक दिस व्लॉग, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय.